हेलो बॉयज, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़ीनोज़ोन। गाइस कैसे हैं? गाइस कैसे हैं यार? आ चुके हम लोग यहाँ पे पैरवर्ल्ड मोबाइल के साथ दोबारा से, या फिर आप लोग इस गेम को मॉन्स्टर लेजेंड्स भी कह सकते हो अगर आपके अंदर भाई तीव्र इच्छा होती है इसे उसी नाम से बुलाने की तो। बट भाई हम तो यहाँ पे भाई पैरवर्ल्ड मोबाइल के साथ ही मजे करेंगे। देख सकते हैं भाई हमारे पास यहाँ पे जो फार्म है इसके अंदर फिलहाल तो भाई खाना नहीं है, तो भाई उनके अंदर हम जल्दी से खाने को लगाते हैं, क्योंकि खाएगा इंडिया तो ही तो बढ़ेगा इंडिया। और यहाँ पर अगर इस डायलॉग को माना जाए तो भाई खाएंगे पोकेमॉन्स तो ही तो विकसित होंगे। आ जाएगा इस, आप लोग जानते हैं पिछली वीडियो के अंदर हम लोग गए थे यहाँ पर हमारे चौथे आइलैंड के बॉस पोकेमॉन से बैटल करने के लिए। ये देखो, अब देखते हैं कि आज इसके साथ महायुद्ध के अंदर क्या होने वाला है। हम लोग भाई धीरे धीरे यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थ आइलैंड हो गया हम लोगों का, रॉक वाला हुआ हमारा, आइस आइलैंड हुआ, फायर आइलैंड हुआ, इन सब के मिनी बॉस पोकेमॉन हमने यहाँ पर इनके बॉस पोकेमॉन्स को भी मारा, उनके ऐसे कि ऐसे गुटी गुटी बजा दी इनके नाभियों में। लेकिन आज माहौल सजने वाला है चौथे आइलैंड के फाइनल बॉस पोकेमॉन के बैटल का। तो ये बैटल जो होने वाला है ऐसे ऑब्वियसली बात है कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर होने वाला है, ऐसा रोमांचक बैटल होगा, हो सकता है आपकी झिरझिरी निकल जाए। लेकिन हम लोग यहाँ पर उसके साथ में आप लोगों को थोड़ा सा भाई नींबू निचोड़ के तड़का देंगे इस चीज़ का, हम लोगों के डंजन बैटल्स का भी। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भाई लेवल 40 तक जो है ये बैटल जाने वाला है। धीरे धीरे अपने कैरेक्टर्स भाई बैटल लेंगे। ओ स्टार्टिंग होते ही यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग की बहुत ही भयंकर भयंकर से ड्रैगन हम लोगों को दिख रहे हैं। आ तुम्हारी तो भाई साहब स्टार्टिंग होते ही नहीं ऐसे तैयार होके आते हैं बैटल करने के लिए। लेकिन भाई आप लोग जानते हैं मैंने भी आप लोगों को कसम दिलवा रखी है, कसम उड़ान छल्ले की घूमते हुए बल्ले की, कि भाई साहब हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे बैटल्स लाएंगे पोकेमॉन के कि आपके अंदर भाई ऐसी आग लग जाएगी कि भाई आप भी बोलोगे कि जीना भाई मजे तारे। लेकिन हम लोगों को फिलहाल ऐसे ऐसे एलिमेंट के पोकेमॉन्स लगाने हैं जो कि हमारे अपोनेंट के पोकेमॉन से तकड़े महसूस हों। प्लस हम लोगों के जो यहाँ पर नए पोकेमॉन्स हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट वीडियो के अंदर बाहर निकाले थे हमारे लोगों के एग में से, आज हम लोगों को उनकी पावर्स को भी टेस्ट आउट करना है। तो हमने भाई ले लिया है यहाँ पर ये तीन महारथी पोकेमॉन्स को, जो कि ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हैं फायर टाइप तो है ही। तो आए गाइस शुरुआत करते हैं आज के इस मखमली बैटल की और चेकआउट करते हैं कि इनकी पावर्स में कितना दम है। आप लोग यहाँ पर जल्दी से भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट से मेरे भाई। क्या बोलते हैं, क्या हम लोगों को इन पोकेमॉन्स को कुछ खिलाना चाहिए एक्स्ट्रा, या फिर हम लोग डायरेक्टली अब बैटल की ओर बढ़ सकते हैं? तो आ जाएं, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे भाई हमारे उड़ते हुए पेगासस के साथ। 400, 200, 200 और 3, 4, 5 आई गेस यही सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये देखें आप लोग भाई, यहाँ पर डैमेज तो हम इतने खतरनाक खतरनाक से देंगे कि सामने वाले स्केलेटन भयंकर 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 देख, खुद देखो एक बार। ये देख तीन मुंह का ड्रैगन है, एक एक मुंह का स्केलेटन ड्रैगन और उड़ने वाला भी है। अबे सोने के सिक्के फेंक दिया भाई साहब, अरे चुम्मी ले ली उसकी। ओ भाई ये अपोनेंट के जो पोकेमॉन्स हैं तो बड़े ही बहन के भाई लग रहे हैं भाई, क्या क्या मार रहे हैं ये। चेक करते हैं गाइस हमारा ये पटियाला पैक क्या मार सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसके पीछे जो मटका है वैसा उसमें पटियाला पैक पड़ा हुआ है। देखते हैं कितना नशा यहाँ पे कर पाएगा अपने अटैक से। 122 का डैमेज दे रहा है, 204 का दे रहा है, 285 का भी दे रहा है, पर पहले से मारता हूँ। शर्म नहीं आती है लोगों से, एक मुंह संभाला नहीं जा रहा तो तीन तीन मुंह लेके घूम रहा है। तेरी मार चोच मार इसके तो नाभि पे हमने चोंची चोंच पड़ा डाली। अपने आप को समझ रहा था यहाँ पे भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा होशियार, लेकिन अरे रे 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 इसे कहाँ मारा मम्मी, अरे यार कैसे कैसे मारे, शर्म नहीं आती इनकी बहन को नमन। बट कोई बात नहीं गाइस, हम भी यहाँ पर अगर इनकी उठा उठा कर नहीं पिलेंगे ढंडो से तो भाई तो मेरे नाम भी जीनो नहीं। और भाई पटियाला बैग, ओए पटियाला बैग, एक पटियाला बैग बॉबी के लिए भी लगा दे। देख सकते हैं आप हम लोग अटैक करेंगे दोबारा से इसकी, लबे टेस्ट का स्टैमिना चूस गए, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये लौंडा भाई क्या भाई कुछ डंका मार लेगा तू, है कुछ डंका मार ले, शर्म कर ले, कुछ है कुछ मार ले बढ़िया सा। ओह भाई कहते ही इसने तो लावा के घुट पेल दिया इसकी नाभियों में, बहुत बढ़िया। और ये हम लोगों की भाई चोंच की रानी भाई साहब, अरे मर जा मर जा मर जा, अरे तेरी तो, अरे मार गए रे यार यार यार। ओ बैटल काफी ज्यादा इंटेंस हो रहा है बॉयज, डंडा कहाँ है मेरा, चप्पल कहाँ है मेरी, तेरी तो मार गुट, बढ़िया। अब होगा यहाँ पे 2 vs 1 का बैटल भाई साहब, ये जो स्केलेटन वाला ड्रैगन भाई साहब मुझे इससे बहुत डर लग रहा है, मम्मी पता नहीं क्या मारेगा ये। ये लो बेटा अग्नि चोच है हम लोगों की। अरे मेरा पटियाला बैग तोड़ दिया इसने यार इसकी तो। बट यहाँ पर सिचुएशन एकदम भयंकर बेटा, 1v1 का बैटल चल रहा है यहाँ पर। अबे उसने अपना डैमेज इंक्रीज कर दिया,
जाओ, लेकिन ऐसे कैसे बचेगा तू बेटे, कोई बात नहीं। स्टन कर दिया। नहीं, मर जा प्लीज। तुझे मोमोस की कसम, प्लीज मर जा। ओए मोमोस का नाम लिया और मर गया। लगता है ये भी मोमोस का दीवाना है बॉबी की तरह भाई। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पहले ही बैटल के अंदर जो डिफरेंस है। अरे पंखे वाली दोबारा आ चुकी है क्या? आए गाइस, इसे पंखे वाली को हम लोग पंखा चढ़ा के उड़ा देंगे। सेलेमेंडर, फिनिक्स एंड सोल फेकर्स, आर यू गाइस रेडी? या फिर हम लोग अपनी डेक का चेंज कर ले क्या? आइए देखते हैं भाई, टेंशन की क्या है बात। हमने आप ले लिया हम लोगों का फायर कॉन्ग, और क्यों ना इसके साथ में एक शानदार सी लाइन, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं लेवल भाई उनका 20-20 है, तो हम लोग कम से कम 25 का तो लेके चलते ही हैं। क्या मार रहा है पता नहीं, कोई कौन सा मंत्र पढ़ दिया इसने तो भाई, ये ऐसी हरकतें मुझे पसंद नहीं है भाई। चल भाई चल 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 चल, 282 डैमेज है, रख के मार। ओ बाउंड्री बना दिया इसने तो। मेरा सी लाइन मार दिया। अरे 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 अरे, मेरा बब्बर शेर मार दिया तुम्हारी तो। तिगना केओ केन किंग कॉन्ग, ओए इसके वो वाला हाथ मार दे, आग वाला जो कि तुझे सनी पाज ने सिखाया था। मारा 2.5 किलो का तेरी का। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, रंगारंग माहौल, 2v2 का बैटल, मरने वाला है तो। ओ ओ ओ, पॉइजन लग गया। ओ पत्तियों को चौटा मारता है। अरे मेरा पाई, मेरा तोता मरने वाला है। अरे भाई 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 भाई, मारते मारते उसे कम से कम मार के मरियो, ताकि था बढ़िया रहे। मारते जी 3 चोट मारी उसकी छाती पे, उसकी नाभी पे, उसके घटने पे, तेरी तो। ये तो मर जाएगा इस बार है ना। ओ नहीं मरा, नहीं मरा। अरे मर गया मेरा पंछी। अरे उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह में चिकंड पावा, ये तो गलत हो गया। बट अभी भी यहाँ पे 1.27 के फट गए हैं बेटे, पट से हेडशॉट दिया। पता नहीं भाई कौन से मंत्र पढ़ रहा है भाई, अबे क्या मार रहा है। अरे सॉरी, अरे तेरी, अरे अरे नहीं 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 भाई मा, अरे ले मरो तुम्हारी तो। अरे भाई ये कौन सा पोकेमोन था, ये कैसा पोकेमोन था, इससे तो भाई रह पटो की बारिश कर दी है। शर्म नहीं आई तुझे हैं, हद कर रखी, तेरे अब्बू का ब्याह हो रहा है इतना खुश हो रहा है। रुक जाएगा तो मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर अपने इन पोकेमोन्स को और स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा। और जब यहाँ पे भाई बात ऐसी आ चुकी है, तो इस बार मैं और भी खतरनाक चीजों को एक्सप्लोर करूंगा। तो आ जाए, बनाते हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एक टेंपल, मैजिक का बनाया जाएगा। कंप्यूटर जी पेश किया जाए हम लोगों के मैजिक का टेंपल। हाय ये देखें, और इसके साथ जो हमारी मेन स्टोरी थी, अगर आपको उसकी याद आ रही हो तो यार समझ जाए, अब चौथा पोकेमोन आइलैंड, उसका बॉस पोकेमोन बैटल, क्या हम लोग उसको मार पाएंगे, क्या वो हमको मार देगा, डर लग रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं हम लोग के आइस आइलैंड की ओर, क्योंकि हम लोग को वहां पर भी सारे मिशंस के अंदर 3 स्टार्स चाहिए। आप लोग जानते हैं 3 स्टार्स की वजह से आप लोग को भाई एक व्हील मिलती है, और उस व्हील से आप लोग को उस आले आइलैंड का जो बॉस पोकेमोन होता है भाई, वो ही मिल जाता है कई बार, तो भाई 3 स्टार तो बनते ही बनते, समझ रहे ना। तो आ जाओ स्कोर करते हैं हम लोगों की यहाँ पे सेट, क्योंकि आप लोग जानते हैं अब बात हो रही है जब यहाँ पर आइस आइलैंड की, तो हमारे जो पोकेबॉन्स हैं उनको भी हम लोगों को रखना होगा बढ़िया। आ जाओ, क्या मार रहा है गेंडा स्वामी, इसकी तो मारा गेंडे के मारे जा रहे भाई, गेंडा मरना जाए कहीं मारा। अरे बस कर, गेंडे की 2 की हेल्थ छोड़ी है भाई, शर्म नहीं आती तुम्हें, मेरा प्यारा गेंडा। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गेंडे एक ऐसा सिंग रख के मार के मेरे दिल को, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच जाती है। रख के मारे सिंग, और भाई उड़ता जा, तू क्या मारेगा, तो मार सकता भाई, बढ़िया मार रहा है तो। 115 90 वाला मार दे, कैसे खत्म कर दू क्या, और नीचे वाला मर रहा 176 का भाई, मतलब यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पहले किसको मारा जाए। एक काम करते हैं, ऐसे ही मारते हैं पहले, अब देखते हैं सिचुएशन कहाँ टर्न होती है। हमारे वाला यहाँ पे हमारे रोकीला वाला है, यानी कि हमारा गोरिल्ला पत्थर वाला पोकेमोन जो एलिमेंट का, ये भी भाई बढ़िया तरीके से इनमें से एक दो को तो निपटा देगा। तो एक काम करते हैं, अटैक मारते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो ऊपर तो फायदा होगा नहीं। मारो गेंडो, मार दियो, तुम्हारी तो शर्म नहीं आई है, तुम्हारे घर में गेंडे नहीं है क्या। आइए ले बेटे, बिजली मारी रख के इसके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे अंदर तक हमने। अबे मैं बिजली मार रहा हूँ, मेरी बिजली मार रही है बेटे, टिट फॉर टैट कर रही है, नोटी हो रही क्या बहन के भाई, रुक जाती है जी तो गोरिल्ले। नाइस,
और आइए गाइस समाप्त करते हैं इस महफिल को। रखिए मारा पंजा, पंजा मार के गंजा कर दिया ऐसे आज हमने। खत्म तो हो गई? हाँ हो गई हो गई। मैं डर गया था भाई, कहीं मुझे लगा भाई नेक्स्ट वेव भी आती होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो थोड़ा डर लगता। लेकिन आप लोग देख सकते हैं हम लोग का अभी भी मतलब 3 स्टार नहीं मिले हैं, और 3 स्टार जरूरी है, यानी कि मुझे अपने हाईएस्ट पोकेमोन से खेलना पड़ेगा तब मिलेगा, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 घंटा लगेगा यहाँ पे हम लोगों के इस वाले काम को निपटने के लिए, यानी कि हम लोगों के टेम्पल को बनने के लिए मैजिक वाला। तो एक काम करते हैं, जब तक ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है, क्यों ना हम लोग इतनी देर ज़रा बाकी काम धाम को देख लेंगे। देखो भाई एक चीज़ आप लोग समझ लो, गेम के अंदर लोगों को भाई गोल्ड बार्स बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भाई सारे आइलैंड बाय करने पड़ेंगे। क्योंकि देख रहे हो एक आइलैंड आप लोगों का ऐसा होगा जहाँ पे आप लोग सेट करेंगे किस चीज़ को, किस चीज़ को करेंगे। हम लोगों को भाई यहाँ पे टेम्पल से बनाएंगे अलग आइलैंड, फायर हाइब्रिड बनाएंगे हम लोग यहाँ पर एक अलग एलिमेंट, और फिर हम लोग का जो गया वाटर एलिमेंट हम लोग बनाएंगे यहाँ पर उसका एक अलग आइलैंड। तो इस तरीके से हम लोग हर एक एलिमेंट का एक अलग आइलैंड पूरा बनाने वाले हैं, तो उस चीज़ में बहुत मज़ा आने वाला है। और उसी के साथ हम लोग जा रहे हैं आज के हमारे 4th आइलैंड के बॉस पोकेमोन से बैटल करने के लिए। तो आ जाओ गाइस देखते हैं किस में कितना है दम, और क्या हम लोग उसको फर्स्ट बारी में ही टेक डाउन कर पाएंगे या नहीं। और जिससे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन करें हम लोग के पोकेमोन्स का, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी समय वीडियो को पॉज करो और जाके भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जीनो फैमिली के साथ ज्वाइन हो जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं भाई ये जब जब हमने बॉस बैटल किया है भाई तो मामला थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। प्लस इस वाले बॉस बैटल के अंदर 3-3 वेव आने वाली हैं, तो चांसेस हैं काफ़ी हाई कि एक्शन पैक धमाका बैटल यहाँ पर ये होने वाला। तो भाई मुझे पता है कि आप लोग खो जाओगे, मैं बता रहा हूँ अभी, बता रहा हूँ आप लोगों को, आप खो जाओगे इस एक्शन बैटल के अंदर। तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अभी से कर दें। ये देखो हम लोग की है यहाँ पर एलिमेंट की साइकिल, ठीक है। और मुझे बताया कि लास्ट तक जो बॉस पोकेमोन आएगा उसका लेवल जो है भाई वो 42 या 52 आएगा, से इतना कुछ था है ना। तो अगर मैं ले जाऊँगा यहाँ पर अपने पोकेमोन्स लेवल 5 के 7 के, ये जो भाई ये इनके तो ऐसे उठा उठा ढंडे मारेगा, मतलब नजर भी नहीं आएंगे। तो ये चीज का भी आप लोगों को रखना पड़ता है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान कि कौन से चाकू से आप काटेंगे दुश्मन काम आए। हमने लिए यहाँ पे ये मुस्टंडे, लेकिन भाई साहब ये वीक मुस्टंडे हैं। या तो मैं एक काम करूं कि मैं इनको खिला के इनको बड़ा कर दूं पहले, और फिर हम लोग जाएं बैटल करने। एक काम करता हूं, इन्हीं 3 पोकेबॉल्स के सेट को हम लोग खिलाते हैं, इनको बड़ा करते हैं, फिर इनके साथ ही आएंगे बैटल करने के लिए। आ जाओ एक काम करते हैं एग्जिट मारते हैं जल्दी, रुक जाओ क्योंकि अभी ऐसे में पिट जाएंगे, ये वाली बात है। और हम लोग खेलेंगे इन्हीं 3 पोकेमोन के डेक के साथ, और देखते हैं कि इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या वो इतना हार्ड हो पाएगा कि अपोनेंट के बॉस पोकेमोन को, उस आइलैंड के यानी कि हम लोगों के 4th आइलैंड के बॉस पोकेमोन को मार पाएगा या नहीं। एकदम मैक्स अपग्रेड कर दूंगा यहाँ पे मैं हमारे इन तीनों के तीनों पोकेमोन्स को, ताकि लॉन्ग टर्म में दिक्कत ही ना पड़े। खिलाओ खिलाओ खिलाओ, लेते हैं हम लोग यहाँ पे पावर ये वाली, बढ़िया। अब चलते हैं हमारा जो दूसरा पोकेमोन था, ये जो था हमारा कोपिंग जो है, ओ लेवल 50 तक जा सकता है वो, तो कोई नहीं हम लोग जितना मैक्सिमम कर पाएंगे उनको उतना कर लेते हैं भाई। आए भाई आए, कौन सी पावर ली जाएगा इस? ये तो भाई यहाँ तो भाई नुकसान हो जाएगा। आई गेस यही ठीक है, हो चुका हम लोग यहाँ पे इस पोकेमोन का लेवल 40। हमने यहाँ पे एक और स्किन को, मतलब एक और स्किन कह रहा हूँ, एक और स्किल को लर्न कर लिया। क्या लगता है गाइस हम लोग की ये 3 पोकेमोन्स मैक्स अपग्रेडेशन के बाद क्या बैटल में जीत पाएंगे 4th आइलैंड के बॉस पोकेमोन के साथ? बताएं भाई जल्दी बताएं, क्या लगता है आपके अंदर से, मतलब आपकी भावनाएं क्या बोल रही हैं, क्या हम लोग ये पोकेमोन जीत पाएंगे या नहीं? क्योंकि यार अगर ये लोग लेवल 40 के होके भी अगर हार रहे हैं तो भाई मुझे डाउट हो रहा है कि क्या ही होगा फिर, समझ लो बात को। लेते हैं हम लोग यहाँ पे पावर जो है हम लोगों की ये वाली, खिलाओ भाई अंडा खिलाओ आज इनको, इनको ऐसा मुस्कंडा बना दूंगा, अंगारा के लौंडा बना दूंगा इनको आज मैं खिला खिला के। तो गाइस फाइनली यहां पर काम खत्म हुआ। अब सुनो बात को, सीन क्या है, हमारे जो 3 पोकेमोन से भाई ये हो चुके हैं लेवल 40 के, ठीक है,
यानी कि हमने अपने तरफ से भाई बेस्ट काम कर दिया है। अगर ये अभी भी हार जाते हैं तो ये चीज़ आप लोग समझ जाना कि भाई सामने जो लड़ने आ रहा है वो तो भैया कतई निंजा हथौड़े का फुप्पा था भाई साहब। आ जाओ गाइस, चौथा आइलैंड बॉस पोकेमोन बैटल। कंप्यूटर जी शुरुआत की जाए। आ जाओ, हम लोग जानते हैं कि जो थंडर अटैक है वो इनके ऊपर भाई बहुत ज्यादा इंपैक्ट मारेगा। देख रहे हो, एक फटका इनका खत्म यहां पर। आ जाए, शुरुआत करते हैं यहां पे भाई मैच की और पहला अटैक मारते हैं हमारा। और आई गेस हम लोग भाई डायरेक्टली इनमें से एक को खत्म करेंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं तीन वेव्स आने वाली है पोकेमोन्स की। मार, एक थंडर अटैक हम लोगों ने यहाँ पे मारा। हमने यहाँ पे उनका एक पहला वाटर टाइप पोकेमोन खत्म कर दिया। आ जाओ हमारे यहाँ पे ईगल की बारी। ईगल तू भी उड़ते उड़ते भाई ऐसे बवंडर उड़ा दे, ऐसे झटके मार दे कि इनकी ऐसी की तैसी मिनटों में हो जाए। मार, नाइस, अनदर इलेक्ट्रिक अटैक हम लोगों ने यहाँ पे दिया। हमारा ओनिक्स आ चुका है, ओनिक्स डायरेक्टली मार सकता है। ओनिक्स का बिजली का हमला आप लोग जानते हैं भाई काफी भयंकर सा होता है, बट उसने भी यहाँ पर हमारे बलम पिचकारी मार दी। तेरी तो है ठंड में, ये होली खेलने का टाइम है ये, बट तेरी तो नाइस। नेक्स्ट वेव आएगी, आप देख सकते हैं। अरे ये अल्टू कहाँ से आ गया? अबे तेरी सोनबरी के भतीजे 1.6 भाई। देखो थंडर अटैक हम लोगों को मारना पड़ेगा यहाँ पर इसके, पर सवाल है कि पहले किसके मारे। ठीक है, और ये मार सकती है इसको, आई गेस इसे खत्म करते हैं। मार, चलो भाई एक मर गया यहाँ पर, अभी दो बचे इनके। और यहाँ पर ऑनिक्स की बारी आ चुकी है, अल्ट आ चुका है, मार दे अल्ट, टिगना केओ केन, दिखा दे पावर अपनी। ओ, अब दोनों को मार दिया, लेकिन अभी तक बॉस पोकेमोन आएगा। आ रहा ये कौन है? अबे भाले मार दिए, रुक जा साले, आते ही मार दिया मेरे। पर एक मिनट, इसके कौन सा उसकी HP 20,000 की है। अरे भाई, अरे कैसे मरेगा ये? अरे भाई 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 भाई, तो तकड़ा सीन हो गया गाइस। मुझे नहीं लगता हम जीत पाएंगे भाई। अबे 20,000 HP है इसकी, अबे क्या बॉर्नविटा पी के आया क्या हद है भाई। ओ भाई, कौन सा क्या पोकेमोन है ये? डर सा लग रहा है गाइस। मम्मी, अरे पता नहीं कैसे मरेगा ये, मर जाओ सारे। अब ये मारेगा, मेरी चिड़िया मार दी। अरे झूले लाल, अरे मेरी चिड़िया मार दी यार। ना 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 ना, ये नहीं मरेगा ऐसे भाई। यानी कि अपने लेवल 40 के पोकेमोन्स भी सामने भीग पड़ रहे हैं। उसकी HP कितनी है भाई? अबे डबल का चमप्रश खा के आया क्या? मरे, मैं ऑनिक्स मरेगा। कुछ मार दो प्लीज, मार दो कुछ। गया मेरा ऑनिक्स। अरे रे रे रे, अरे भाई यार, नहीं, क्या मार रहा है? रुक जा। गाइस इतनी गंदी पिटाई तो भाई साहब मेरी आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई। खत्म यार, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है भाई। चौथे आइलैंड का बॉस को मैंने हल्के में ले रहे हो क्या? अबे कच्चा फाड़ के रुमाल कर दिया भाई साहब, घाघरे में चले धोती मांग लगा दी इसने तुम्हारे। तो एक काम करते हैं, यानी कि इस वाले डेक से काम चलेगा नहीं, तो हम लोग को यहाँ पर डेक को चेंज करना पड़ेगा। तो फिर एक काम करूँ क्या, या तो हम लोग अपने जो टॉप 3 पोकेमोन से लगता है मुझे, अब यहाँ पर उनको ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल जो हम लोगों के पोकेमोन्स हैं उनके बस की नहीं, मैं तो नहीं मानता कि उनके बस की होगा। तो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर जो हमारे एक वीकेस्ट पोकेमोन, हमने यहाँ पे उस अपने ईगल थंडर को चेंज कर हमने ले लिया हमारा काउरी। अब देखते हैं क्या मैच मजा आता है। नाइस, और अब मारते हैं जरा हम लोग इसको। मार गट तेरी तक, बढ़िया। और अब ऑनिक्स की बारी आ चुकी है, तो भाई ऑनिक्स भी डायरेक्टली मार ही देगा। तो फटाफट से एक काम करते हैं, स्टोनिंग करते हैं। शाबाश, बढ़िया। और एक यहां पर इसके साथ मार तलवार, बेटे निंजा हथौड़े का सगा बड़ा भाई है, हल्के में ले रहे क्या है? मुश्किल कमांडो सख्त। आ गया यहाँ पे अल्टू का भतीजा, आ गया कावरी तो मारेगा तो बेटा बहुत दर्द होगा तुम्हें। तारक मेहता की बावरी का भतीजा है। जा 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 जा, पीका पी। नाइस, एक गया। हाँ अब देखते हैं तू क्या मारेगा। 1.62 के यही मार, थंडर मारेगा भाई। इलेक्ट्रिसिटी जो टाइप है भाई वही जो है यहाँ पर काफी इंपैक्टफुल जो है चल रहा है, और वही जो है बढ़िया अटैक भी यहाँ पर दे पा रहा है। अनदर डाउन गाइस इसी के साथ।
और अब देखते हैं वाटर स्प्लैश, वाटर स्प्लैश पानी की पिचकारी मारता ठंड के अंदर यार, रोंगटे खड़े कर दिए मेरे तेरी। ओ लेकिन असली बैटल तो अब शुरू होगा। आ गया मौत का नंगा नाच करने आ गया मौत का शहजादा। कावरी मार दे 5.81 के तेरी भेड़ को नमन। ओ देखते भाई अब क्या होता है। भाई मैं तो ऐसे डर सा लग रहा है, मैं क्या ही बोलूं। नाइस ऑनिक्स कुछ बढ़िया सा मार दे, दिल खुश कर दे यार। बुला दे इंद्रदेव को, बुला ले आज पड़ी। ओ मेरा ऑनिक्स बेचारा अल्टा आ गया इसका। ये देखो ये हुई ना बात भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था ये। कावरी नहीं होता मरता नहीं है। डैम भाई कसम कसम कसम, मजा आया यार। आप लोग जानते मजा आता है। ओए दाढ़ी वाले चाचा आज चार अवार्ड दियो क्योंकि कावरी ने बड़ी मुश्किल से जितवाया है। अनद हम लोग को मिल चुका है परवीन भाई, हम लोगों का पांचवा आइलैंड आ चुका है गाइस, देख सकते हैं स्नो आइलैंड। यार वो क्या जर्नी चल रही है, क्या मजे आ रहे यार वो। और भाई यहाँ देख सकते हैं भाई इसका जो बॉस पोकेमोन है वो अल्टू है, और सोन परी वाला अल्टू। हाँ यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग का नया आइलैंड आ जाएगा, यानी कि हम लोगों को उसके आगे लिए हम लोगों को उसके लिए यहाँ पे फिर भाई प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है गाइस तैयार हो जाते हैं हम लोग भाई पोकेमोन्स यहाँ पे भाई तैयार हैं आगे इंटेंस बैटल्स के लिए। एंड आई होप आप लोगों को भी भाई इस इंटेंस एक्शन पैक वीडियो से मजा आ रहा होगा। मेक श्योर करें आप लोग यहाँ पे हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के ग्रुप के अंदर भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे भाई हम लोगों की जीनो फैमिली को ज्वाइन करें भाई ऐसे ही शानदार गर्मा गर्म वीडियोस को एंजॉय करने के लिए। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you